हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है GNDU रिक्रूटमेंट 2023, जिसे की 110 सिक्योरिटी गार्ड और एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात की जाए तो ये आपको 18,000 रुपए से लेकर 2,14,100 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका अमृतसर पंजाब होगा। अगर वही बात कर लेते हैं, इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में भर सकते हो। तो आइए दोस्तों, बिना देर के इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक वैकेंसी है, प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 10 वैकेंसी है, डायरेक्टर के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 27 वैकेंसी है, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर के लिए 1 वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए 1 वैकेंसी है, क्लर्क एंड जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 वैकेंसी है, वहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए 24 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जिन गाइड से बी या बी टेक इन CSE, IT, BSc, BCA, MBBS, ME, MTech, MSc, MBA, MCA, मास्टर्स डिग्री या फिर PhD कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल और प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपका PhD किया होना आवश्यक है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए जिन गाइड्स ने मास्टर्स डिग्री या फिर PhD कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। डायरेक्टर पोस्ट के लिए जिन गाइड्स ने ME, MTech, MSc, MBA या फिर MCA कर रखा है, तो वो सारे कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपका मास्टर्स डिग्री या फिर PhD किया होना आवश्यक है। वहीं डायरेक्टर यूथ वेलफेयर पोस्ट के लिए जिन गाइड्स ने मास्टर्स डिग्री कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। मेडिकल ऑफिसर मेल पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए जिन गाइड्स ने MBBS कर रखा है, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं क्लर्क एंड जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जिन गाइड्स ने बी या बीटेक इन CSE, IT, BSc, BCA या फिर मास्टर्स डिग्री कर रखा है, तो वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड के लिए एज पर नॉर्म्स ही रखी गई है। अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात की जाए तो डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल और प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 1,44,200 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 1,31,400 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 1,18,500 रुपए से लेकर 2,14,100 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 57,700 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 91,500 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, मेडिकल ऑफिसर मेल पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए पर मंथ तक की सैलरी, क्लर्क एंड जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 19,900 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट की बात की जाए तो इसके लिए आपको मिल जाएगी 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ तक की सैलरी। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु 52 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जिन कैंडिडेट्स की आयु 52 वर्ष से उससे कम है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो अगर आप क्लर्क और जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर या सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो SC ST और PWD कैंडिडेट्स को देने में 944 रुपए, वही मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है। वहीं अगर ऑल अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो SC ST और PWD कैंडिडेट्स को देने में 1,180 रुपए, जबकि मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे ही बेस्ड होगा। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 11 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जो कि 31 जनवरी 2023 तक चलेगी। अगर बात कर लेते हैं किस एड्रेस पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है, तो ये एड्रेस है टू द रजिस्ट्रार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पिन 143005 पंजाब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।